अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सड़कें खाली हैं, बाजार बंद हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये सब संभव हो सका है जनता की समझदारी के चलते। आज मेरठ शहर में जनता कर्फ्यू के दौरान लोग घरों के अंदर है। मेरठ शहर की जो सड़कें अक्सर वाहनों से खचाखच भरी रहती थी वो बिल्कुल खाली पड़ी हैं। जिन सड़कों पर प्रशासन चाहते हुए भी जाम से निजात नहीं दिला पाता था आज वो सूनी है और ये सब संभव हो सका है प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील से। जी हाँ, मेरठ की जनता ने प्रधानमंत्री की जनता कर्फ्यू की अपील को मानकर इस बात का प्रमाण दिया है कि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए और उसे हराने के लिए सरकार जो भी जरूरी कदम उठाएगी मेरठ की जनता उसमें पूरा सहयोग करेगी। इस बात से खुश होकर मेरठ मंडल का प्रशासन भी मेरठ की जनता के सराहनीय सहयोग की तारीफ कर रहा है। तो आइए जानते हैं डीएम अनिल ढींगरा जनता के सहयोग को देखते हुए क्या बता रहे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जनपद मेरठ के सभी जनपद वासियों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है आज जनता कर्फ्यू के लिए, और इसमें जितने भी हमारे प्रतिष्ठित प्रस्थान हैं, इंडस्ट्रीज हैं या पब्लिक हैं, सब अपने अपने घरों में हैं, दुकानें वगैरह सब बंद है, फल मंडी अनाज मंडी भी बंद है, सिर्फ आवश्यक वस्तु की जो चीज़ें हैं या जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या फार्मेसीज हैं या केमिस्ट्री शॉप्स हैं सिर्फ वही खुली हैं, और ये बहुत अच्छा जो है सराहनीय कदम जो है पब्लिक ने दिखाया है, ये वास्तव में सराहनीय। ये बिल्कुल एक अच्छा सराहनीय कदम है, जो इस तरीके की ये COVID-19 संक्रमणीय बीमारी है उसमें जो हमारे डॉक्टर्स जो फील्ड में लगे हुए हैं, जो घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनके सैंपल भी ले रहे हैं अगर कोई सस्पेक्ट है, इसके अलावा हमारे विकास के हैं, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो हमारे PAC के जवान हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, सब वास्तव में एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके लिए जो 5 बजे के लिए जो कहा गया है ये वास्तव में सराहनीय है। नहीं, अभी जो है हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं आया जो पॉजिटिव है, सभी जगह जो है अभी नेगेटिव है और हम लोग बचाव प्रचार करा के लोगों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जानते हैं कि कमिश्नर अनिता सी मेश्राम क्या बता रही हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि पूरे मेरठ में और पूरे मंडल में जनता कर्फ्यू लागू है, जनता का भरपूर सहयोग मिला है, सारी दुकानें हैं, सामाजिक प्रतिष्ठान हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज वगैरह सब पूर्ण रूप से बंद हैं, और मैं पब्लिक का धन्यवाद भी देना चाहूँगी और ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि आज के अलावा आने वाले दिनों में भी ये सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी गंभीरता से लें, उसका अनुपालन करें, अपने घरों से बिल्कुल ना निकलें और ट्रैवल जितना अधिक से अधिक हो सके उसको अवॉइड करें, पब्लिक में प्लेसेस में बिल्कुल ना जाएं। यूं तो जनता समझदार है लेकिन पुलिस प्रशासन कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए सड़कों पर गश्त लगाते हुए शहर के हालातों का जायजा ले रहा है। तो आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं मेरठ जोन के ADG प्रशांत कुमार। आपने स्वयं देखा होगा कि पूरे मानवता की सेवा किस तरह से प्रशासन, पुलिस, हमारे नगर पालिका और जितने भी हमारी लोकल बॉडीज हैं उसके लोग के कार्यरत लोग किस तरह से कर रहे हैं, और जो हमारा मोटो है वो सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब कि सेवा अपने पर्सनल रिस्क पे भी सेवा का जो ध्येय है ये जो प्रशासन ने तय किया है या शासन ने तय किया है उसके तहत ही सभी लोग लगातार राउंड पे हैं, और जनता का और अपार सहयोग है, सभी वर्ग के लोगों ने कॉपरेट किया है, सभी जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जितने भी समाजसेवी संस्थाएं हैं, हमारे व्यापारी भाई लोग हैं, आपने देखा होगा कि केवल यहाँ पर जो आवश्यक चीज़ें हैं वही कार्य कर रही हैं, विशेषकर जो पेट्रोल पंप वही खुले हैं जहाँ से कि हॉस्पिटल या पुलिस के लोगों को तेल वगैरह की व्यवस्था लेनी है वही खुली है, शेष सभी जगह जो हमारी रिस्पॉन्स टीम है वो लगातार काम कर रही है, और जो हमारे जवान काम कर रहे हैं उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशंस और प्रोटेक्टिव गियर्स हम लोगों ने दिए हैं, और पूरे जोन में पूर्णतया बंदी है, जो हमारे 2 एयरपोर्ट हैं, प्रतापपुर जो कि कमर्शियल नहीं है और गाज़ियाबाद के जो एयरपोर्ट है वो भी पूर्णतया बंद है, रेलवे स्टेशन पर कोई भीड़ नहीं है, और इंटरस्टेट जितने भी हमारे
बसेज आ रही हैं वो भी बंद हैं, और जो आह्वान भारत सरकार ने 24 घंटे के मतलब 12 घंटे से ज़्यादा का जो जनता कर्फ्यू का किया है वो पूर्णतया सफल है और 100% बंदी है। चलिए तो अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि क्या कहना है आईजी प्रवीण कुमार का। पूरे रेंज में, मेरठ रेंज में सभी जगह पर जनता द्वारा व्यापक समर्थन इसमें दिया गया है, क्योंकि जनता के हित में जनता के द्वारा किया गया ये कार्यक्रम है, और स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार गतिशील हैं और भ्रमशील हैं, और जहाँ जहाँ पर किसी को कोई गलतफहमी होती है वो उसको कम्युनिकेशन उसके साथ संवाद उसके साथ बना हुआ है। तो ये जनहित में जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सभी लोगों का इसमें अपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है, और हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए पूरी रेंज में सब सामान्य है, सभी जगह पर, और सभी जगह पर बहुत ही सक्रिय सहयोग मिले। शहर में सन्नाटा है, और इसी बीच सड़कों पर नगर निगम की तरफ से शहर भर में साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जा रहा है, और जो कि बेहद जरूरी है। ऐसे में नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा है ये जानना भी आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं क्या बता रहे हैं नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया। मेरठ में आज जनता कर्फ्यू है, ये जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता के हितार्थ है। इसका मूल उद्देश्य कोरोना से हम लोगों को सभी को एक साथ मिलकर लड़ना है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसको कि नोवल कोरोना के नाम से हम लोग जानते हैं, और नोवल कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। ड्रॉपलेट वो कहलाता है कि जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके नाक से कुछ छोटे छोटे से पानी की बूंदें निकलती हैं और ये दूसरे व्यक्ति पर पहुँच जाती हैं। दूसरे व्यक्ति पर इन्फेक्शन का दो तरह से पहुंच सकता है, एक तो डायरेक्ट में पहुंच सकता है कि ये उसके पास सीधे टच में पहुंच जाए या नाक के माध्यम से चला जाए, और दूसरा है इनडायरेक्ट भी, किसी स्थान पर वो गिर गया, वहाँ पर आपने छू लिया और उसके माध्यम से आपके नाक मुंह या आँख छूने से वो इन्फेक्शन चला जाता है। इसके उपाय के लिए नगर निगम ने व्यापक प्रयास किए हैं। ये वायरस जब खुले में रहता है तो 2 घंटे तक हाथ पर, 12 घंटे तक कपड़ों पर, प्लास्टिक पर व अन्य जगह पे 24 घंटे तक जिंदा रहता है। इसके उपाय हैं कि यदि व्यक्ति सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है जिसमें कि अल्कोहल 60% होता है तो वायरस की आउटर सेल्स है वो घुल जाती हैं और वो बैक्टीरिया वायरस निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरह से ब्लीचिंग का जब उस पर ब्लीचिंग पड़ती है, क्लोरीन पड़ता है, तो भी वो जो वायरस है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हमने पूरे नगर निगम ने सभी स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर व ब्लीचिंग घोल हम लोग लगातार छिड़कवा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से सैनिटाइज किया हुआ है, लेकिन हम सभी नागरिकों से ये भी अनुरोध है कि यदि ब्लीचिंग में नहीं मिल पाता है तो घर पे आपके पास जो भी डिसइन्फेक्टेंट हो, भले ही लाइजॉल हो या अन्य फिनाइल हो या अन्य कोई भी डिसइन्फेक्टेंट हो, यदि आप उससे पोंछा मारते हैं और आधे घंटे के लिए फैन चला कर उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो भी डिसइन्फेक्टेंट हो जाता है। पहली चीज़ ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हमने सफाई की पूरी अच्छी व्यवस्था की है और पूरा प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी अभी कमी नज़र आ रही है हम उसको भी पूरा करा रहे हैं, ताकि एक ऐसा एक संदेश जाए और लोगों को एक मन में विश्वास हो कि नगर निगम भी उनके लिए आप लगातार काम कर रहा है। हमने अपने नगर निगम कर्मचारियों को भी अपने मास्क, बूट और हैंड ग्लव्स दिए हुए हैं, तथा आप सभी से भी अनुरोध करेंगे कि मास्क का पहनना उतना ज़रूरी नहीं है। मास्क क्योंकि इसके वायरस काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए 2 फोल्ड का यदि कोई रुमाल भी लगा लेता है मुंह पे तो वो भी पर्याप्त है। वृद्धजनों को बहुत ज़रूरी है, उनको बचाने की ज़रूरत है कि जो 60 साल के ऊपर के आपके घर में जो भी वृद्धजन है उनको कम से कम घर से बाहर ना जाने दें और घर पे ही रहने दें। होम आइसोलेशन उनका अवश्य रखना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसी तरह से बच्चों में जो 15 साल से कम के बच्चे हैं उनको भी रोकें, अनावश्यक ट्रैवल करने से बचें। नगर निगम इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के अलावा फॉगिंग भी शाम को करा रहा है कि जो मैलाथियन से होती है, यद्यपि मैलाथियन मच्छर आदि को मारने में काम करता है, तो अभी हम लोग 3 काम लगातार कर रहे हैं। सभी 15 स्थानों पर, 15 मुख्य चौराहों पर टैंकर खड़े किए हुए हैं कि जहां पर आदमी तुरंत हाथ धो सके। इसका उद्देश्य है कि जो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यदि किसी ने कहीं पे कुछ ने छींका या गिरा उस पर आपके हाथ में टच हुआ और उसके आपके मुंह से जा रहा है, तो वो तुरंत हाथ धोने से वो दूर हो जाता है। तो इसलिए हमने टैंकर उपलब्ध कराए। सभी कार्यालयों को हमने अनुरोध किया है कि वो भी पानी का टैंकर रखें, वो पानी का बाल्टी और मग रखें, हर 2 घंटे पर 1 बार अवश्य धोते रहें।
ये रोक एक व्यक्ति की लड़ाई से या एक संस्था की लड़ाई से नहीं, सभी लोगों के समेकित प्रयास से ही हम इससे लड़ सकते हैं। कदापि ये लोग भूल ना समझे कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होने की भी संभावना है, और यदि वायरस रेजिस्टेंट हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हमको इसी स्तर पर संभालने की ज़रूरत है। होम आइसोलेशन, जनता कर्फ्यू में सभी लोग सहयोग करें, और इससे क्या कि जब सब लोग एक साथ जुटेंगे तो जो इटली, फ्रांस, जर्मनी जो कर रहा है, हम उससे काफ़ी निजात पा सकेंगे।